इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे. एक ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल होता क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी एक सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ये करता क्या है? ये दरअसल मैनेज करता है, ये संभालता है. क्या चीज़ संभालता है? ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है. हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे आपको माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर, ये तमाम क्या हैं? आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं. इनको मैनेज करना, इनको संभालना, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की. इसके अलावा ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई गेम हो गया या कोई हम एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, ये तमाम क्या हैं? हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर रिसोर्सेज, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या सिंपल हम इसको ओएस भी कहते हैं. अब जैसे कि हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे सामने विंडोज़ की स्क्रीन आ जाती है. विंडोज़ की स्क्रीन में हमारे पास मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, और उस विंडोज़ के ऊपर हम कोई गेम खेलना चाहें, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना चाहें, तो वो हम चला सकते हैं. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट इस किस्म का कोई इन्वायरमेंट मिले, हम कभी भी कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं चला सकते. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल एक इंटरफेस का काम करता है. इंटरफेस का मतलब क्या है? कि दो चीज़ों के दरमियान रबते का काम करता है, यानी दो चीज़ों के दरमियान दो चीज़ों को लिंक करता है. दो चीज़ें कौन सी हैं? हार्डवेयर रिसोर्सेज और एप्लीकेशन प्रोग्राम. इन दोनों के बीच में हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. अब हमारे पास जो सबसे मेन हार्डवेयर रिसोर्स है वो दरअसल क्या है? वो हमारे पास सीपीयू जो है, वो हमारा मेन हार्डवेयर रिसोर्स है, जो कि एक स्मॉल चिप होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में. ये जो सीपीयू होता है, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, यानी कि ये सीपीयू कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को ऑपरेट करता है, उनको मैनेज करता है, उनको संभालता है. तो सीपीयू जो है, अगर हमने माउस से कोई काम करना है तो उसको भी सीपीयू चाहिए होगा, कीबोर्ड से कोई काम करना है उसको भी सीपीयू चाहिए होगा, प्रिंटर ने कोई काम करना है उसको भी सीपीयू चाहिए होगा. इसी तरह हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको भी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है. अब सीपीयू जो होता है, उसके लिए मसला क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है. अब सीपीयू को अपने काम संभालने के लिए, अपने तमाम मामलात संभालने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सीपीयू के लिए स्क्वेजल करे, यानी उसके लिए एक तरतीब बनाए, उसके लिए एक टाइम टेबल बनाए कि उसने किस फंक्शन को कितना टाइम देना है, ताकि सीपीयू के लिए काम करना आसान हो जाए. तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, और इसी सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ये सीपीयू के लिए ये डिसाइड करता है कि सीपीयू जो है वो तमाम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको सीपीयू कितना टाइम देगा. ये तमाम इन तमाम चीज़ों का फैसला ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए किया जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक मुल्क के अंदर कोई गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, यानी गवर्नमेंट जो होती है वो संभाल रही होती है मुल्क के रिसोर्सेज को, और आवाम की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा कर रही होती है, यानी आवाम की ज़रूरियात और जो मुल्क के अंदर रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके दरमियान एक हकूमत का एक निज़ाम होता है जो कि आवाम को फैसिलिटेट करती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस पूरे कंप्यूटर के अंदर यही काम होता है, जिसमें ये क्या करती है, क्या करता है ये सॉफ्टवेयर, हमारे पास जो मेन रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, और जो हमारे मेन क्लाइंट्स हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे क्या हैं यहाँ पे, ये क्लाइंट्स हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ हार्डवेयर रिसोर्सेज की कभी, तो उन तमाम को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. तो इस वीडियो में आज हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दरअसल क्या होता है.